ये शीट नंबर एट का क्वेश्चन नंबर वन है, गॉशियन सरफेस एस एनक्लोजेस टू चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है? फील्ड एट पी, उसने ये नहीं कहा फ्लक्स, उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्या होगा, तो ये पी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्जेस की वजह से होगा? ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो आंसर क्या आएगा? इन तीनों का वेक्टर सम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, ये किया था हमने नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड विद मैग्नीट्यूड ए इंटू आर नॉट, ये आर नॉट है। द चार्ज कंटेंड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर नॉट सेंटर्ड एट ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट? वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी रीजन में, एक स्फीयर है रीजन में, E इज इक्वल टू ए इंटू आर नॉट है ऐसे। तो मान लो इसका एरिया, ये मान लो इसका रेडियस क्या है, आर नॉट इसका रेडियस है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 4πr0² तो इस गॉशियन सरफेस का फ्लक्स क्या बनेगा? फ्लक्स की जो वैल्यू है वैसे होती क्या, q/ε0। मुझे ये बताना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो अगर मैं इसका चार्ज q एज्यूम कर लूं, q/ε0 क्या है, फ्लक्स है, तो q की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स इंटू ε0। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E इंटू एरिया। E की वैल्यू क्या है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, A इंटू आर नॉट, और एरिया स्फेयर का क्या होता है, 4πr0 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखने में अजीब है, स्फेयर का क्वेश्चन है, चार्ज की वैल्यू पता है 5 × ε0 है, फ्लक्स E इंटू एरिया, एरिया स्फेयर का मुझे पता है, E मुझे पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने सिलेंडर वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm, 1 mm रेडियस है, चार्ज पर मीटर नहीं है, चार्ज पर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर इज क्यू कूलम। नॉर्मली चार्ज अपॉन लेंथ को लैम्डा लिखते हैं, लेकिन ये चार्ज अपॉन लेंथ क्या है, क्यू कूलम पर मीटर है, पर सेंटीमीटर है, तो क्यू कूलम 1 cm के ऊपर चार्ज है, तो 1 cm का चार्ज क्यू है, आपको इसका फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होगा, ये बहुत बड़ी वायर है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इसकी लेंथ क्या है, 100 cm, 1 cm पे कितना चार्ज है, क्यू, तो 100 cm पे कितना चार्ज है, 100 × क्यू, तो 100 × क्यू/ε0, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 cm पे क्यू चार्ज है, 100 cm में 100 times चार्ज है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन गिवन है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो कह रहा है जी एक स्फीयर है, एक स्फीयर का जो फ्लक्स है, अगर आप एक स्फीयर लें और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर लें, अगर आप कोई भी पॉइंट स्मॉल आर लेस देन आर पे लें, स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि आपका पॉइंट स्फीयर के अंदर है, तो स्फीयर के अंदर इतना फ्लक्स है, और अगर आप आर ग्रेटर देन आर लें तो आप स्फीयर के बाहर हैं, तो स्फीयर के बाहर इतना फ्लक्स है, कॉन्स्टेंट है, तो स्फीयर के अंदर भी फ्लक्स है, स्फीयर के बाहर भी फ्लक्स, लेकिन डिफरेंट फ्लक्स है, स्फीयर के अंदर डिफरेंट फ्लक्स है, स्फीयर के बाहर डिफरेंट फ्लक्स है। क्लियर है यहां तक? आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, आपको स्फीयर के अंदर भी निकालनी है, आपको स्फीयर के बाहर भी निकालनी पड़ेगी, एक एक करके करते हैं, दो आंसर आएंगे, पहले स्फीयर के अंदर करते हैं। स्फीयर के अगर अंदर गए तो स्फीयर के इनसाइड, स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर है, मैंने फील्ड कहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो टेक अ गॉशियन सरफेस, तो इस गॉशियन सरफेस का एरिया कितना है, 4πr² और ई मुझे यहाँ निकालना है, तो क्या बनेगा, ई इंटू 4πr². फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू स्फीयर के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने E इंटू 4πr² से फ्लक्स निकाल ली, और फ्लक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इन्हें इक्वेट करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू निकाल ली। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से E की वैल्यू आ गई, और अगर मैं E बाहर निकालना चाहता हूं, तो ये लो बाहर चलते हैं, ये स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और आप E बाहर निकालना चाहते हो, तो टेक अ गॉशियन सरफेस, टेक अ गॉशियन सरफेस, तो इस गॉशियन सरफेस में फ्लक्स क्या होगा, E इंटू 4πr²
लेकिन स्फीयर के बाहर का फ्लक्स तो ऑलरेडी गिवन है मुझे, कितना फाई नॉट, तो कॉन्स्टेंट है, इक्वेट करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो दो बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार स्फीयर के अंदर, एक बार स्फीयर के बाहर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक कि फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी दोनों रीजन में? इसके बाद ये क्यूब वाला क्वेश्चन था। इस क्यूब वाले क्वेश्चन में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो एक प्रॉब्लम फेस की, मुझे पता नहीं कितनों का हो गया वैसे, ये नहीं हुआ, ट्राई किया नहीं किया। देखो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे लगी। कह रहा है रीजन ऑफ, देखो मुझे क्यूब वाला क्वेश्चन रटा पड़ा है, कितनी बार मैंने कर लिया, आपके सामने भी इन्हें कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि यार स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आई होगी। वो क्या, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? ई नॉट एक्स आई कैप। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक्स वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्स अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहे हैं एक इमेजिनरी क्यूब लें जिसकी एज ए है। तो ये लो एक क्यूब लो जिसकी एज क्या है, ए है, ले लिया। एज इज पैरेलल टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एज पैरेलल है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्यूब को रख दिया। मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर कितना चार्ज है? तो सिंपल है, अगर मैं इसका क्यूब का फ्लक्स निकाल दूं हर क्वेश्चन की तरह, वो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स आंसर आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, इस क्यूब का फ्लक्स। जितने भी क्वेश्चन क्यूब के किए हमने फ्लक्स ही तो निकाला, प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्यूब पड़ा कहां है, क्वेश्चन नहीं पड़ा, क्वेश्चन तो है ही नहीं डायग्राम में, तो डायग्राम गिवन नहीं था। क्यूब पड़ा कहां है, ओरिजिन पे पड़ा है कि दूर पड़ा है? नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्यूब ए सेंटीमीटर दूर पड़ा है, इसमें मेंशन ही नहीं है क्यूब कितने सेंटीमीटर दूर पड़ा है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते सोच रहा हूं कि से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको ओरिजिन पे रखूं कि ओरिजिन से दूर रखूं, दो केस हो गए ना, और हमने शीट पे दोनों केस किए हैं, ओरिजिन पे भी किया और दूर भी किया। अब ओरिजिन पे रखता हूं तो आप लोग पूछेंगे सर ओरिजिन पे क्यों रखा, बोला तो है नहीं, तो मैंने डिसाइड किया मैं ओरिजिन पे रखता ही नहीं। तो मैंने कहां रख दिया, एट डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि अगर ओरिजिन पे पड़ा तो एंड में एक्स नॉट को जीरो पुट कर देंगे, तो देख लेते हैं एक्स नॉट पुट करके। तो यहां पे वन नंबर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बोलो यहां पे ई नॉट इनटू एक्स है ना, तो ई नॉट इनटू एक्स नॉट आएगा यहां पे, ई नॉट इनटू एक्स नॉट ई की वैल्यू। यहां पे ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट इनटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक्स नॉट प्लस ए, तो यहां पर क्या होगा, ई नॉट इनटू एक्स नॉट प्लस ए। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट है, वो इसलिए क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, इस फेस पे जाते जाते कोऑर्डिनेट एक्स नॉट प्लस क्यूब की विड्थ भी ऐड हो जाएगी ए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट इनटू एक्स नॉट प्लस ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है। यहां पे एरिया वेक्टर का है राइट है, पर यहां एरिया वेक्टर का है लेफ्ट है। बाकी फेसेस में हमने कितनी बार कहा कि क्यूब में नेट फ्लक्स क्या आता है, बाकी फेसेस में जीरो। तो बचा क्या, एक ये फेस एक ये फेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और एरिया वेक्टर लेफ्ट है, तो ई और एरिया में एंगल कितना है 180। यहां पे ई में और एरिया में एंगल कितना है जीरो, क्योंकि ई और एरिया राइट की तरफ है जीरो। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट इनटू एक्स नॉट, एरिया इस फेस का क्या है ए स्क्वायर, और ई में और एरिया में एंगल कितना है 180। तो यहां का फ्लक्स आ गया, फिर यहां का फ्लक्स क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट इनटू एक्स नॉट प्लस से, एरिया यहां का भी ए स्क्वायर है लेकिन कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि ई और एरिया आर ऑन द सेम साइड जीरो। कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन पुट करके ये टर्म आ गई, माइनस टर्म लग गई आगे, इसको आपने ओपन कर लिया, ये टर्म आ गई, और देखो एक्स नॉट और एक्स नॉट की टर्म कैंसल। मतलब आप क्यूब को एक्स नॉट डिस्टेंस दूर लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स नॉट तो यहां से कैंसल आ गया, तो ये फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स होगा क्या, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स आंसर आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां से चार्ज की वैल्यू आ गई, कोई डाउट? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्यूब का क्वेश्चन काफी बार हमने किया, तीसरी बार कर रहा हूं मैं क्यूब का क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है क्या करना है, देना है मेरे को सैटरडे के टेस्ट में क्यूब का क्वेश्चन। मैं पहले बता दूं, तीन बार करवाने के बाद तुमसे ना हुआ तो वायदा नहीं हुआ कोई भी, पक्का दूंगा पढ़ाना, क्योंकि इसी ने आना है टेस्ट में, ठीक है, पेपर में इसी ने आना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, किया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे ये एक चार्ज पड़ा है, हमने किया था पॉजिटिव चार्ज है, बाई इंडक्शन नेगेटिव पॉजिटिव,
तो इसके ऊपर पॉजिटिव फ्लक्स आ जाएगा। ये हमने किया था, शीट का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ए और बी आर सेमी स्फेरिकल शेल्स हैं, तो रेडियस आर वन और आर टू, ठीक है, क्लोज बॉडी है, इसके सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा हुआ है, ये रेडियस आर वन आर टू है, व्हाट इज द कंडीशन विच में बी सेटिस्फाइड, इसमें से क्या सही है ये आपको मार्क करना है। पॉइंट नंबर वन, आप ये बताओ कि अगर ये क्यू नॉट चार्ज है तो इस क्यू नॉट चार्ज से लाइंस बाहर निकलेंगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इस क्यू नॉट चार्ज से लाइंस बाहर निकलेगी, ठीक है, यहां भी जाएंगी, यहां भी जाएंगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इस स्फीयर का साइज बड़ा करूं, ऐसा भी अगर होता या छोटा भी होता फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितनी लाइंस बड़े को कट करनी थी उतनी छोटे को भी कट करेंगे, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बस फर्क यह है कि छोटा स्फीयर जल्दी कट कर रही है, बड़ा है तो थोड़ा लेट कट कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ लाइन तो उतनी कट करेंगे, तो इसका मतलब ऊपर का और नीचे का फ्लक्स क्या रहेगा, सेम, फाइव वन फाइव टू का फ्लक्स सेम है, तो एक आंसर तो पक्का ट्रू है, फाइव वन और फाइव टू की रेशियो वन है, ठीक है। दूसरा, अब और भी ऑप्शन है इसमें ई को लेके, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज आर वन डिस्टेंस दूर, ई क्या लगाएगा, वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर, और ई टू क्या लगाएगा, ई टू की वैल्यू होगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड, सॉरी क्यू नॉट है, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे ई वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर, और यहाँ पे ई टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू स्क्वायर, इन्हें डिवाइड कर लें तो ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या इसको अंडर रूट लें, चलो इसका अंडर रूट लें तो आर टू डिवाइडेड बाई आर वन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ई वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ई टू, सही, तो ये चेक करें ऑप्शन सही आ रहे हैं यहां से, ये भी सही है, ठीक है, और कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे देखना है, ठीक।